दोस्तों यहाँ पर इंडिया के अंदर शाओमी 11i, 11i हाइपर चार्ज, इनके लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जो इंडिया में रिलीज़ कर दिया गया है, काफ़ी अच्छा खासा अपडेट है और एक चेंज भी आपको इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये टेलीग्राम चैनल है इसको भी ज़रूर आके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा इंस्टेंट न्यूज़ के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शाओमी 11i के अंदर जो अपडेट आया है, शाओमी 11i और 11i हाइपर चार्ज, ये जो INXM वाले वर्जन है उनके लिए यहाँ पर मिला है। एक FK वाला भी वर्जन आता है, उनके अंदर भी एक अपडेट आया है, पर उसकी एक अलग से वीडियो बाद में मिल जाएगी। और अभी तो जो है ये वाला अपडेट जो है वो XM वाले यूजर्स के लिए। तो अब वर्जन आपको मैं चेक करा देता हूँ फटाफट। तो देखेंगे 1.0.5.0 TKT INXM वर्जन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वर्जन आपको मिलेगा और 215 MB का अपडेट साइज आपको देखने को मिलता है। उसके बाद इसका एक और स्क्रीन शॉट आपको मैं दिखा देता हूँ, तो आप ये स्क्रीन शॉट देख सकते हैं। 1.0.5.0 TKT INXM वर्जन है और 215 MB का जो है अपडेट साइज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है ना, आपको यहाँ पर एक और जो चेंज देखने को मिलने वाला है वो है यहाँ पर आपको सिस्टम सिक्योरिटी का। आपको अगस्त 2024 का लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच दे दिए गए और डिवाइस की सिस्टम सिक्योरिटी को यहाँ पर बढ़ाया गया, और कुछ यहाँ पर आपको चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है। एक चेंज और मिलेगा इसके साथ, अगस्त का सिक्योरिटी पैच तो हो ही गया ऐड, इसके साथ आपको एक चेंज मिलने वाला है, ठीक है। वो वहाँ पर मैंशन नहीं है चेंज लॉग में, बट आपको एक फीचर जरूर यहाँ पर मिलेगा। आपको क्या करना है कि सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग में आने के बाद जो है आपको एक लॉक स्क्रीन यहाँ पर मिलेगा, इसके ऊपर आप लोग आइएगा एंड यहाँ पर आपको एक फीचर देखने को मिलेगा, वो है प्रेस एंड होल्ड टू एडिट। ये प्रेस एंड होल्ड टू एडिट वाला जो फीचर है, ये आपके डिवाइस के अंदर बाय इनेबल मिलेगा। अगर आप लोग इसको ऑफ कर देते हैं ना, तो क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आप अपने यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर रहते हैं, तो लॉक स्क्रीन पर रहने के टाइम जो क्या है कि अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे ना, तो ये देख रहे हैं मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया हुआ है काफ़ी देर से, जो है यहाँ पर एडिट का फीचर नहीं आ रहा है। जैसे आपको पता है कि हाइपर ओएस के अंदर जो है लॉक स्क्रीन एडिट का फीचर रहता है, जिसमें आप क्या करते हैं कि लॉक स्क्रीन ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो उसको एडिट करने का ऑप्शन रहता है। बट अभी देखेंगे मैंने इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस किया हुआ है, बट ये जो काम नहीं कर रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ से इसको इनेबल करूँगा, ये काम करने लग जाएगा। अभी आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो लॉक स्क्रीन के अंदर गया और ये जो प्रेस एंड होल्ड टू एडिट वाला जो फीचर मिला है ना, इसको अब मैंने इनेबल कर दिया। अब देखना, जैसे मैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा, तो ये देखो मुझे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो है फीचर यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो ये फीचर ये आपको देखने को मिलता है, हालांकि ये पहले है, बट इस वाले नए अपडेट के अंदर पता है क्या किया गया है कि अब आप लॉक स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे ना, तो इस तरीके का एडिट करने का फीचर वो नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, इसको आप लोग ऑफ करने का फीचर दे दिया, बस इसको हम बोलेंगे कि आपको अगर नहीं चाहिए इसको ऑफ रखना है तो इसको आप ऑफ भी रख सकते हो। तो ये एक नया फीचर जो है यहाँ पर ऐड किया गया, जो पहले नहीं था वो जो है अब ऐड कर दिया गया है। तो ये नया चेंज देखने को मिलता है और इसके अंदर कुछ भी चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये नया वर्जन जो है रिलीज हो चुका है, 1.0.5.0 TKT INXM वर्जन का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके पास ये डिवाइस है तो आप चेकआउट करके अपडेट कर सकते हैं। ये नया सॉफ्टवेयर अपडेट जो इंडिया में रोल आउट होना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, शाओमी 11i हाइपर चार्ज के लिए अभी मी पायलट यूजर्स को मिला है, एंड 1 वीक के बाद जो है सबको यहाँ पर रोल आउट होते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड अभी तक आपने मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसको आगे फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको न्यूज़ मिल जाती है। चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।